हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण और आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में लैंगिक जनन। जिम्नोस्पर्म में लैंगिक जनन जिम्नोस्पर्म के सदस्य विषम बीजाणु होते हैं, यानी कि इनके अंदर बीजाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु जो बनते हैं वो लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं, गुरु बीजाणु जो बनते हैं वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। और इनकी जो बीजाणु धानियां जो होती है वो बीजाणु पर्ण पर स्थित होती है, ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी जो होती है वो लघु बीजाणु पर्ण पर स्थित होती है और गुरु बीजाणु धानी जो होती है वो गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित होती है। इसमें जो बीजाणु पर्ण होते हैं वो तने पर सर्पिल रूप से लगे रहते हैं, तने पर सर्पिल रूप से लगे रहते हैं और ये संघनित होकर शंकु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर शंकु होते हैं जो बीजाणु पर्णों के संघनित होने से बनते हैं और इनके अंदर बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो सर्पिल रूप से व्यवस्थित होते हैं और ये बीजाणु पर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु पर्ण व गुरु बीजाणु पर्ण। अगर लघु बीजाणु पर्ण है तो उस पर लघु बीजाणु धानी है और गुरु बीजाणु पर्ण है तो उसके ऊपर गुरु बीजाणु धानी है। गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इन पादपों के अंदर दो प्रकार के शंकु पाए जाते हैं, नर शंकु और मादा शंकु। जिम्नोस्पर्म के सदस्य विषम बीजाणु होते हैं, इनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के सदस्य विषम बीजाणु होते हैं और इनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। इनमें बीजाणु धानी भी दो प्रकार की होती है, बीजाणु धानियां भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है जो लघु बीजाणु धानी व गुरु बीजाणु धानी होती है। यह बीजाणु धानियां बीजाणु पर्ण पर स्थित होती है, यह बीजाणु धानियां बीजाणु पर्ण पर स्थित होती है। बीजाणु पर्ण तने पर सर्पिल रूप से लगे रहते हैं, बीजाणु पर्ण तने पर सर्पिल रूप में लगे रहते हैं और ये बीजाणु पर्ण
संघनित होकर शंकु का निर्माण करते हैं। ये बीजाणुपर्ण संघनित होकर शंकु का निर्माण करते हैं, जिस शंकु में लघु बीजाणुपर्ण पर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, इन्हें नर शंकु कहते हैं। जिस शंकु में गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है, इन्हें मादा शंकु कहते हैं। मादा शंकु के अंदर गुरु बीजाणु धानी होती है, जो किस पर स्थित होती है, जो गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित होती है, ठीक है। और गुरु बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो सर्पित रूप से संघनित होकर मादा शंकु का निर्माण करते। पाइनस में नर व मादा शंकु एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं, और साइकस में नर व मादा शंकु अलग अलग वृक्ष पर मिलते हैं। नर व मादा शंकु अलग अलग वृक्ष पर पाए जाते हैं। पाइनस के अंदर नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं, जबकि साइकस में नर व मादा शंकु अलग अलग वृक्ष पर पाए जाते हैं। अगला लक्षण देखिए, लघु बीजाणु धानी के अंदर स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, उन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। और ये लघु बीजाणु नर युगमकोद्भिद का निर्माण करते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु नर युगमकोद्भिद का निर्माण करता है और इसे परागकण कहते हैं, तो परागकण क्या है? लघु बीजाणु है। लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु धानी से होता है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, इन बीजाणुओं को लघु बीजाणु कहा जाता है। प्रत्येक लघु बीजाणु नर युगमकोद्भिद का निर्माण करता है और ये नर युगमकोद्भिद पराग कण कहलाता है। लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु
मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। जिससे अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं प्रत्येक लघु बीजाणु नर युग्म को उद्भिद का निर्माण करता है। जिसे परागकण कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु धानी की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे चार अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन अकेला गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनते हैं गुरु बीजाणु धानी की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे चार अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। अब देखिए लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु बनते हैं जिन्हें परागकण कहा जाता है और गुरु बीजाणु धानी में मादा युग्मकोद्भिद बनता है जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु बाहर निकलते हैं तो ये हवा के द्वारा गुरु बीजाणु धानी पर स्थित छिद्र तक पहुंचते हैं और यहाँ पर इन लघु बीजाणुओं का अंकुरण होता है और इन लघु बीजाणुओं से एक नलिका निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं और इस पराग नली के द्वारा लघु बीजाणु में स्थित नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन हो जाता है और जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें अंडाशय का अभाव होता है इसलिए बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें लैंगिक जनन होता है। लघु बीजाणु धानी से परागकण
यानी कि लघु बीजाणु बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं वह हवा द्वारा गुरु बीजाणु धानी पर स्थित छिद्र तक, पर स्थित छिद्र तक पहुंचते हैं। यहां पर लघु बीजाणु यानी परागकण से पराग नली निकलती है, पराग नली निकलती है जो मादा युग्म कोश भित्त तक जाती है, जो मादा युग्म कोश भित्त यानी कि गुरु बीजाणु तक जाती है। तथा यहां नर युग्मक को पहुंचाती है, जिससे नर व मादा युग्मक का, नर व मादा युग्मक का संलयन हो जाता है, यानी कि निषेचन हो जाता है तथा द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और युग्मनस से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज बनता है, युग्मनस से भ्रूण बनता है व भ्रूण से बीज बनता है, और बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, अनावर्त होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है।